हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आरवी बर्ड्स अवेरी के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बर्ड्स अच्छे तरीके से आपके पास होंगे और अच्छे से आप उनका ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है मेल फीमेल के ऊपर होने वाला है, क्योंकि कुछ भाइयों को जो है मेल फीमेल में अंतर नहीं पता है। तो आज उनको इस वीडियो के अंदर जो है मैं मेल और फीमेल के अंदर अंतर बताऊंगा जो बजीज पैरेट होते हैं उनके अंदर, क्योंकि कुछ भाइयों के पास बहुत से जो है मैसेज और कमेंट होते हैं कि उनके पास दो पेयर हैं पर वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, पर उनको उनका जो है जेंडर पता नहीं होता है कि दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं। इस तरीके से जो है बर्ड्स ब्रीड नहीं करता है। अगर आप जो है इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको जो है मेल फीमेल के बारे में पूरी कन्फर्म जानकारी आपके पास होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए जो है लगातार वीडियो आती रहे, क्योंकि अब बजीज पैरेट का ब्रीडिंग सीज़न भी शुरू होने वाला है। अगर आप जो है अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी बीमारी होती है या कोई जो है ब्रीडिंग फार्मूला होता है, चाहे कोई सीड मिक्स हो चाहे कोई सॉफ्ट फूड हो, उसके ऊपर जो है वीडियो चैनल पर आती रहती है, जिससे कि आपको जो है एक प्रॉपर वे के अंदर जो है आपको बर्ड से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो कॉकटेल बर्ड हो या बजीज पैरेट हो या लव बर्ड हो, सभी के लिए आपको जो है जानकारी इस चैनल के ऊपर बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुछ भाई जो है बर्ड्स को परचेज़ करके घर पर लेकर आते हैं और उनको घर पर रखे हुए लगभग दो दो तीन तीन साल हो जाते हैं, पर उनके पास जो है बर्ड ब्रीड नहीं करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको जो है उनके जेंडर के बारे में कन्फर्म पता नहीं है। अगर आपको उनके बारे में जेंडर के बारे में पता नहीं होगा तो आपके पास बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे, चाहे आप बर्ड्स को 5 साल रखें या 6 साल रखें। जब तक आप रखोगे बर्ड्स की ब्रीडिंग की कोई भी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक प्रॉपर पेयर ही परचेज़ करना है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर आपके घर पे भी जो है वो बर्ड ब्रीड करे और आपके घर के अंदर भी जो है उनके अंडे और बच्चे निकल सकें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। आपको जो है जब भी पेयर लेकर आएँ तो कोशिश ज़्यादा यही करें कि कोई ब्रीडर भाई से जो है पेयर को परचेज़ करें, क्योंकि शॉप वालों को, कुछ शॉप वाले ऐसे होते हैं जिनको खुद को नहीं पता होता है मेल फीमेल के बारे में, वो आपको जो है जैसे बर्ड को पकड़ते हैं वैसे ही पिंजरे से निकाल कर आपको दे देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को जब भी बर्ड परचेज़ करना है तो कन्फर्म मेल फीमेल के साथ ही परचेज़ करना है। आप लोगों को जो है मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जो है मेल और फीमेल आसानी से जो है पता कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर रहना, जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, कोई ये आधी अधूरी जानकारी ना हो, जिससे कि आप लोगों को जो है आगे फिर से बर्ड्स को चेंज करना पड़े और कुछ टाइम जो है आपका ख़राब हो, जिसके बाद ही पेयर लग पाएगा और आपके पास फिर ही ब्रीड होगी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पहले आप लोगों को मैं मेल के बारे में बताता हूँ। जो बजीज पैरेट के अंदर मेल होता है उसकी एज जब लगभग 2 या 3 महीने के आसपास होती है, तो उसकी चोंच जो है पर्पल कलर की होती है, लाइट पर्पल कलर की जिस भी पेयर की चोंच होगी वो जो है मेल होगा। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे उसकी एज जब लगभग 5-6 महीने के आसपास होगी या 4 महीने के बाद उसकी चोंच जो है ब्लू होना शुरू हो जाती है और उसकी चोंच जो है डार्क ब्लू हो जाती है। कई कलर होते हैं जिनके अंदर जो है बजीज पैरेट की जो है नोज़ लगभग पर्पल ही रहती है, जैसे वाइट कलर में लगभग पर्पल कलर की नोज़ ही आपको देखने को मिलेगी मेल के अंदर। तो आप लोग उनके अंदर कन्फ्यूज़ ना होए, जब भी आप बर्ड्स लें तो जिसकी प्रॉपर ब्लू कलर की चोंच हो वो मेल होगा। और आपको करना क्या है कि जो मेल होगा उसको जो है आप उसकी एक्टिविटी से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेल जो होता है वो ज़्यादा एक्टिविटी करता है फीमेल के मुकाबले। आप देख सकते हैं कि जो मेल होगा अपनी गर्दन को हिलाएगा बार बार, जो है फीमेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आप इस चीज़ को देखकर ही मेल को परचेज़ करें कि मेल की जो चोंच है, चोंच के ऊपर की जो स्थान होता है सिरी बोलते हैं जिसे हम, वो जो है ब्लू कलर की होगी तो वो कन्फर्म मेल होगा। और ऐसे ही आपको जो है फीमेल में कैसे पता होगा, फीमेल के अंदर जो है फीमेल के चोंच के ऊपर जो सिरी होती है वो वाइट कलर की होगी। आप लोगों को मैं फ़ोटो में भी दिखा दूँगा कि मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं।
जो फीमेल की सीरी होगी वो वाइट कलर की होगी, और इसकी तो प्रॉपर जब एज होगी जैसे 2 महीने के बाद ही आप देखोगे तो उसकी सीरी आपको वाइट ही नज़र आएगी, और जब जब जैसे जैसे उसकी जो है एज बढ़ती जाएगी 3.5 या 4 महीने के बाद उसकी जब वो फर्स्ट टाइम आपके पास ब्रीड करेगी या ब्रीडिंग मूड में आएगी तो उसकी सीरी जो है ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी सीरी जो है ब्राउन होना शुरू होगी तो फीमेल जो है हीट पर आ जाती है और वो ब्रीडिंग के लायक हो जाती है। उस समय जो है आप उसे केज के अंदर ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी आप मटकी और केज के अंदर जो है ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करोगे, अच्छी प्राइवेसी दोगे, तो आपके पास जो पेयर है वो जल्दी से ब्रीड कर देगा। तो कुछ भाइयों के पास यही प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास जो है या तो सारे मेल होते हैं या सारे फीमेल होते हैं, जिस कारण जो है वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं। सभी मेल कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे, और जो सभी फीमेल होंगी वो फीमेल फीमेल से पेयर लगा लेती है कई बार और एग भी ले करती है। तो कुछ भाइयों के सवाल ये भी होते हैं कि हमारे पास जो है अंडे तो आते हैं पर उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो फीमेल फीमेल पेयर लगाती है वो जो है क्रॉस नहीं करती है, जिस कारण जो है जब एक मेल फीमेल होगा प्रॉपर तो ही वो जो है एग ले करेगा और उनके अंदर जो है फर्टिलिटी आएगी। अगर फर्टिलिटी एग्स के अंदर नहीं होगी तो एग्स भले ही फीमेल कितने ही दे या कब भी दे तो उससे जो है उनके अंदर से कभी भी बच्चे नहीं निकलेंगे, चाहे वो उनके ऊपर 21 दिन बैठे या 28 दिन बैठे। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है कि फीमेल फीमेल आपके पास है, हर बार आपके पास जो है ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को आती है कि बजीज फीमेल जो है एग ले कर रही है पर उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे हैं। तो आप लोग जो है फीमेल मेल जो है उनको कंफर्म करके ही घर पर लेकर आएं, जिससे कि आपके पास एक बेहतरीन ब्रीड और आपका टाइम जो है जाया ना हो। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी सीड मिक्स के ऊपर लेकर आने वाला हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना अगर कोई और नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो चलो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। धन्यवाद।